गुड मॉर्निंग। हमारी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु एल्कली और अर्थ एल्कली मेटल्स के शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अच्छे से समझ में आ गई होगी? बिल्कुल। एल्कली मेटल की क्या थी? हेलिन आके रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और हमने एल्कली अर्थ मेटल की पढ़ी थी, यानी क्षारीय मृदा धातुओं का हमने पढ़ा था। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। बेरिलियम, बेटा से बी ई बेरिलियम, एम जी मैग्नीशियम, मांगे कार, कैल्शियम, स्कूटर, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। और चार्ज कैसे आता है कि किसी पे प्लस टू आ रहा है, किसी पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा था, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो आपके मेन टॉपिक हैं। आप इस चैप्टर में केवल आपका जो सिलेबस कटा है वो रेडॉक्स रिएक्शंस की एप्लीकेशंस, यानी कि अनुप्रयोग, उस पॉइंट को आपको काट देना है। उसको हम इस क्लास में अध्ययन नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन किसे कहते हैं? छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है 10th और 9th में, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। केवल अब उनको उसको किससे पढ़ेंगे, डिटेल में विथ रिएक्शन। बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी ट्रिक बता दूंगी। आप कोई भी अगर दो चीज़ें हों तो आप उसको क्या करो, अलग अलग करके पढ़ो और एक को याद करो और एक को जस्ट उसका अपोजिट ही होता है। कभी भी अगर अंतर होता है, डिफ्रेंस होता है, तो आप ऐसे लर्न करो और आधा याद करो और आधा अपने आप याद हो जाता है। ऑक्सीजन का योग, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस पर ऑक्सीजन अगर आके जुड़ जाए तो वो क्या बना देती, ऑक्साइड्स बना देती हैं, तो उस मेटल का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है ना? तो सबसे पहले ऑक्सीजन का योग या ऋण विद्युती तत्व का योग। अब इधर मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाती हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना? तो मैग्नीशियम पे किसका योग हुआ, किसका एडिशन हुआ, ऑक्सीजन का। यानी मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन का एडिशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ले अगर आपको पूछे इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम पे कौन आके जुड़ा, ऑक्सीजन, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम का। यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होने के कारण क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले मैग्नीशियम के पास है ऑक्सीजन, नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋण विद्युती तत्व का योग। ऋण विद्युती तत्व का मतलब होता है जिस पर माइनस। हम ऑक्सीजन को अभी पहले हमने पढ़ा था, माइनस होता है चार्ज, उस पर हमको माइनस मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 त्याग नहीं सकता है, लेकिन 2 इजीली वो ग्रहण कर सकता है। तो ये मैंने इसीलिए आपको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हम किसको प्लस मानते हैं और किसको माइनस मानते हैं। तो हम धातुओं को सबको क्या मानते हैं, धन मानते हैं, और जो अधातु हैं उनको क्या मानेंगे हम, ऋण। तो ऑक्सीजन क्या है, ऋण विद्युती तत्व है, यानी माइनस वाला यौगिक है। तो एम जी प्लस ओ टू क्या बना, 2MgO, यानी ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण। फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आ गई, ये हो गया आपके ऑक्सीकरण। दूसरी ऑक्सीजन की जो परिभाषा है, हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निष्कासन, ये था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यह है हाइड्रोजन का निष्कर्षण, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी में से हाइड्रोजन निकल जाती है तो भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखिए आप H2S और Cl2, अब इसमें H2S में क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन है लेकिन इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो किसका ऑक्सीकरण हुआ, H2S में किसका ऑक्सीकरण हुआ, H2S का ऑक्सीकरण किसमें हुआ, सल्फर में। तो ध्यान रखना यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण किसमें हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। यहाँ H2S का ऑक्सीकरण किसमें हुआ, सल्फर में। तो हाइड्रोजन इसमें से निकल गई और सल्फर क्या हो गया, अकेला। तो यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है। तो H2S plus Cl2 क्या बना, 2HCl plus सल्फर, यानी क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें से निकल गई। वैसे रिएक्शन दोनों साथ साथ चलती हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे HCl2 का क्या हो रहा, अपचयन। इसी को आप देखें तो भी मैं समझा सकती हूँ कि H2S का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन। देखो ये Cl2 में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का योग अपचयन। तो आप इस एग्जाम्पल को अपचयन में भी दे सकते हैं। तो हाइड्रोजन का निष्कर्षण क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो किसी भी यौगिक अणु में से अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। धन विद्युती तत्व का निष्कर्षण, धन यानी प्लस। अब देखो यहाँ पे प्लस के आई, ये देखो हम इसमें के को क्या मानते हैं, प्लस चार धातु। अभी आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी के किस में आती हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, यानी के क्या है, चार धातु, उस पर चार्ज क्या होता, प्लस। तो इसको हम क्या मानते हैं, प्लस। तो धन विद्युती तत्व का निष्कर्षण, इस के आई में से के निकल गया, ये देखिए इस आई के साथ क्या है, यहाँ आई टू के साथ के है, नहीं है, यानी के आई में से क्या निकल गया, के निकल गया। तो के आई का आयोडीन में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। के आई का आयोडीन में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये धन विद्युती तत्व का निष्कासन, यानी किसी में से भी प्लस वाला अगर निकल जाए तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। यानी के आई का आई टू में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन, धन विद्युती तत्व का निष्कासन। लास्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन, किसी में से इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाए तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये देखिए सोडियम, सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलता, तो उस पर मैंने बताया था सोडियम के संयोजकता कोश, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर क्या आ गया, प्लस। यानी किसी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो भी उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये आपकी चौथी डेफिनेशन। लास्ट डेफिनेशन है ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि। ये आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी, ऑक्सीकरण अंक किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं। ये FeSO4 है और ये जिंक है। कोई भी चीज़ जो मुक्त होती है उसका ऑक्सीकरण अंक जीरो होता है, अलग अकेला लिखा होता है उसको हम जीरो मानते हैं। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारी जो होते हैं पॉइंट्स लिखाऊंगी। अब यहाँ पे जो Fe की ऑक्सीकरण अंक है वो प्लस टू है, और अगर यहाँ पे हम Fe से क्या हो गया, ये Fe बना और यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया, जीरो। तो प्लस टू से क्या हो गया, जीरो, और जिंक का जीरो से क्या हो गया, प्लस टू। तो जिंक जीरो से क्या हो गया, प्लस टू। तो जीरो से प्लस टू यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, वृद्धि। जीरो से प्लस दो आना मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि। तो धनावेश में क्या होती है, अगर वृद्धि होती है तो भी हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। वैसे ऑक्सीकरण और अपचयन रिएक्शन क्या होती है, साथ साथ चलती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम उसको क्या है, उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम रिडक्शन यानी अपचयन में भी लिख सकते हैं। यानी एक एग्जाम्पल को हम रिडक्शन या अपचयन में भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपचयन।
अपचयन किसे कहते हैं? यहाँ पड़ा था ऑक्सीजन का योग, यहाँ है ऑक्सीजन का निष्कासन या ऋण विद्युती तत्व का निष्कासन। ऋण विद्युती तत्व का निष्कासन कैसे करते हैं? इधर देखो, ये MgO है, Mg प्लस O2 में MgO का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और यहाँ देखिए आप, MgO में से क्या निकल गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल गई, इस रिएक्शन को हम बहुत सारी ऐसी होती है कि अगर MgO को वापस हीट करें तो क्या बन जाता? Mg और O2। लेकिन सब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है, ये ध्यान रखना, कोई कोई रिएक्शन ही रिवर्सिबल होती है। सारी रिएक्शन में आप एग्जांपल उल्टे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये एग्जांपल हो रहा है इसलिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन जोड़ा और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। तो किसी में से भी अगर ऑक्सीजन निकल जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसका अपचयन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हो गया? अपचयन। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हो गया? अपचयन। दूसरा है हाइड्रोजन का निष्कासन। आप ये एग्जांपल देना चाहें तो भी दे सकते हैं और ये एग्जांपल देना चाहें तो भी दे सकते हैं। अब देखो, अगर यही एग्जांपल देना चाहें तो भी आप कैसे देंगे? देखिए, H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस सल्फर। लेकिन अब वहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? H2S का। लेकिन यहाँ पे अपचयन किसका होगा? Cl2 का। ये देखिए, अब हाइड्रोजन का योग इस Cl2 पर क्या जुड़ रही है? यहाँ इस Cl2 पे हाइड्रोजन है नहीं है, लेकिन इस Cl के पास क्या है? हाइड्रोजन है। यानी Cl2 का HCl में क्या हो रहा? अपचयन। और H2S का S में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तो ये है ऑक्सीडेशन और ये है अपचयन। तो ये वाला एग्जांपल आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसका अपचयन हुआ? Cl2 का। और यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हुआ? H2S का। इसके अलावा हम दे सकते हैं एथीन। एथीन दो कार्बन होते तो हम उसको क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। ये भी अपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, उसमें हमने क्या लगाते हैं? अगर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। एल्कीन पर अगर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो क्या बनती है? एल्केन बनती है। ये देखिए, एथीन पे मैंने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन जोड़ा, डबल बॉन्ड हट के हाइड्रोजन जुड़ गई, यानी एल्कीन का एल्केन में क्या हो गया? अपचयन। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनना क्या होता है? अपचयन। यानी ये देखिए, हाइड्रोजन जुड़ गई एथीन से, क्या हो गया? यहाँ पे दो दो चार हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए तीन तीन छः हाइड्रोजन, यानी एथीन का एथेन में क्या हो गया? ये एथीन और ये एथेन। आप कोई सा भी एग्जांपल एज यू लाइक आप दे सकते हैं। तो हाइड्रोजन का योग यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? रिडक्शन या अपचयन। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों ही आप पढ़ लीजिए, ऐसे ही टॉपिक ले रही आप इजीली उसको समझ सको, दोनों ही बच्चे। फिर है धन विद्युती तत्व का योग। यहाँ पे था धन विद्युती, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट का यहाँ पे था निकलना और यहाँ पे था एडिशन। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक जो होता है वो एलिमेंट। अब देखिए, अब ये Na है और हम हाइड्रोजन को क्या मानते हैं? वैसे तो हाइड्रोजन को हम कहीं कहीं माइनस लिखेंगे, ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को हम क्या मानते हैं? धन यौगिक मानते हैं। सॉरी बेटा। तो हाइड्रोजन का अगर सोडियम के साथ योग कराते, एडिशन करा देते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्राइड बनता है। ये रिएक्शन भी क्या है? अपचयन। यानी हाइड्रोजन धन विद्युती तत्व का जुड़ना भी, यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट का जुड़ना भी क्या होता है? अपचयन। फिर यहाँ है एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का योग। यहाँ था एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहाँ है एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का योग।
इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए Cl, ये Cl के बाहरी कोश में कितने सात, अगर हम देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, 2, 8 और ये 7। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, अभी क्या है ये Cl है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या आता है, प्लस। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 288। तो ये 2Cl2 इसलिए लिया क्योंकि बॉन्डिंग की वजह से। अगर यहाँ पे आप Cl2 लिखते हो तो हाफ Cl2 भी लिख सकते हो। 2Cl2 में दो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो क्या बन गया, 2Cl-, यानी दो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो इधर लिखते हैं और निकलते हैं तो इधर लिखते हैं, क्योंकि रिएक्शन में वो निकले, तो कोई भी प्रोडक्ट इधर होता है, रिएक्टेंट इधर, यानी क्रियाकारक इधर और उत्पाद इधर, तो हम क्रियाकारक को इधर लिखते हैं, प्रोडक्ट को इधर लिखते हैं। तो ये क्रियाकारक में अगर कोई चीज़ जुड़ी तो यहाँ क्या होगा, उत्पाद में मिलेगी यानी प्रोडक्ट में मिलेगी, और अगर कोई रिएक्टेंट या क्रियाकारक से कोई चीज़ निकली तो वो हमको क्या मिलेगी, प्रोडक्ट में मिलेगी। तो ये Cl2+2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, 2Cl-, यानी इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन। फिर है ऑक्सीडेशन अवस्था में कमी। अगर ये एग्जाम्पल आप नहीं देना चाहें तो इस एग्जाम्पल को भी आप दे सकते हैं, एक ही एग्जाम्पल को आप रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ था +2 Fe, जिंक का, जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जीरो से क्या बन रहा है, +2। लेकिन यहाँ +2 फेरस सल्फेट से Fe बन रहा है, यानी जीरो, यानी ऑक्सीकरण अवस्था, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो डिक्रीजिंग हो रहा है, तो Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। इसलिए इसको हम इस रिएक्शन में, अगर आपको पूछे किसका रिडक्शन हो रहा है तो किसका, FeSO4 का Fe में, और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का, जिंक सल्फेट में। तो आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, हाफ लर्न कर लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का योग तो उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का रिमूवल या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट। धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन तो उधर हो जाएगा, धन विद्युतीय तत्व का योग, यानी कि जो भी आपके मेटल होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, जो भी एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, रिमूवल होगा, और इसमें क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन, जो नंबर होता है उसमें इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट इसका आपको अपोजिट लिखना है। तो आपको केवल एक ही टेबल लर्न करनी है और आप इजीली दूसरी टेबल लर्न कर लोगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे मेजर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारा जो बाकी था वो क्या था, SI सिस्टम, ठीक है। तो हमने मेजरमेंट के अलग अलग कंट्री ने अलग अलग रूल्स बना रखे थे, अलग अलग सिस्टम बनाए रखे थे, जैसे कि आप जानते हो कि हमने पहली क्लास में पढ़ा CGS सिस्टम चल रहा था, एक FPS चल रहा था और एक MKS चल रहा था। तो ये हर कंट्रीज के अलग अलग सिस्टम थे, जैसे कि यहाँ सेंटीमीटर है, ग्राम है और सेकेंड है। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर फुट था, जो लेंथ की यूनिट क्या थी, फुट थी, पाउंड थी, और यहाँ पर सेकेंड था, और यहां पर मीटर, इसके बाद किलोग्राम, और यहां पर क्या चल रहा था, सेकंड चल रहा था। तो हमने देखा कि जैसे कि हमारे इंडिया में भी ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो यहां पर भी अलग अलग यूनिट चल रही थी, अलग अलग स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्वांटिटीज के चल रहे थे। तो जैसे कि आप जानते होगे, या फिर अभी आपके घर में जो बुजुर्ग लोग होंगे, वो जो दुकान पर जाते हैं, जैसे कपड़े की दुकान पर जाते हैं, तो वो आज भी अगर धोती पहनते हैं तो वो धोती लाते हैं, तो धोती का जो उनका मेजरमेंट होता है वो होता है हाथों से मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि दुकानदार से जाके बोले कि 5 हाथ धोती दे दे, 6 हाथ धोती दे दे। खेत भी अपन जो मेजर करते थे, जो खेतों को भी लेंथ मेजर करते थे, वो लकड़ी से मेजर करते थे। तो हर जगह, हर कंट्रीज में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेजरमेंट का अलग अलग रूल चलता था, अलग अलग मेजरमेंट चलते थे। जैसे कि हमारे यहां पर भी अभी बीघा चलता है, जैसे 1 बीघा
तो बीघा का कोई फिक्स नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में बीघा की वैल्यू, वन बीघा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसके लिए जो लोग, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया 1971 में क्या की, एक जनरल कॉन्फ्रेंस की, और वो जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी वो वेट एंड मेजरमेंट पे थी। किसके ऊपर थी? वेट एंड मेजरमेंट पे थी। और हमारे यहाँ से भी कुछ लोग गए थे, हमारे यहाँ भी जो नेशनल वेट ब्यूरो है वो वहाँ पर गया था, और सबने मिलकर एक नई, एक कॉमन सिस्टम बनाया, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम था। तो उन सभी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर एक नया सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम का नाम क्या रखा उन्होंने, SI सिस्टम। यानी उस सिस्टम का जो नाम रखा था वो फ्रांस लैंग्वेज में लिखा था, सिस्टम दी इंटरनेशनल, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो एक नया कॉमन सिस्टम बनाया, सबके लिए इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम क्या है, SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में हमने जो लेंथ का मेजरमेंट बनाया वो क्या बनाया, तो मेजरमेंट जो हमारा जो मेजरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमको हर क्वांटिटी के लिए बनाना है। तो एक के लिए हम फिजिक्स में क्या यूज करते हैं, यूनिट। एक का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। तो लेंथ का हमने जो मेजरमेंट बनाया वो क्या बनाया, मीटर बनाया, और इसका सिंबल क्या है, M है। इसके बाद मास का जो हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया, इंटरनेशनल मेजरमेंट बनाया, वो हमने बनाया किलोग्राम। क्या बनाया, किलोग्राम। उसका जो यूनिट होता है, जो जिसका जो सिंबल है वो क्या है, KG है। इसके बाद जो टाइम का हमने बनाया वो सेकेंड है, और उसका जो यूनिट सिंबल है वो S है। और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या बनाया हमने, स्टैंडर्ड मेजरमेंट केल्विन, और उसका जो सिंबल है वो क्या है, K। और इलेक्ट्रिक करंट का जो हमने बनाया वो एम्पियर बनाया, और उसका जो सिंबल है वो क्या है, A, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट बनाया वो क्या है, मोल है, और उसका जो सिंबल है वो भी हम क्या लिखते हैं, मोल ही लिखते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी है, उसका जो SI स्टैंडर्ड हमने जो बनाया वो क्या बनाया हमने, कैंडेला। क्या बनाया, कैंडेला। और उसका जो सिंबल है वो क्या है, CD। तो हमने देखा कि पहले हमारा CGS चलता था, FP चलता था, MKS चलता था, और ये जो SI सिस्टम जो बनाया गया उसको, उसके लिए बेस बनाया MKS को बनाया गया। किसको बेस बनाया गया, MKS को बेस बनाया गया। तो MKS में भी हमने देखा था कि जो लेंथ है उसका जो SI जो यूनिट है वो क्या था, मीटर ही था, ठीक है। और जो मास है उसका किलोग्राम ही था, और टाइम का क्या था, सेकंड था। तो SI सिस्टम क्यों बनाया गया, उसके अंदर एडवांटेज क्या थे, SI सिस्टम के अंदर क्या क्या एडवांटेज थे। तो SI सिस्टम जो सिस्टम है वो एक तरह का मैट्रिक सिस्टम है। क्या है, मैट्रिक सिस्टम है। और मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है जैसे लेंथ है, तो लेंथ के लिए हमने ले ली मिली सेंटी डेसी और मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैट्रिक सिस्टम में कि नेक्स्ट हायर और नेक्स्ट लेवर के लोअर के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवीजन करते हैं। जैसे कि मिली, यानी 1 मिली है, तो 1 मिली है इसके अगर अंदर हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिलेगा 1 सेंटी। क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, 1 डेसी। और 1 डेसी के अंदर अगर हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, मीटर। तो नेक्स्ट हायर के लिए हम क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक सिस्टम के अंदर, और नेक्स्ट लोअर के लिए हम क्या करते हैं, 10 का डिवीजन करते हैं। जैसे कि ये है कि 1 डेसी है, तो 1 डेसी के अंदर हमने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, सेंटी मिलेगा। इसमें अगर 10 से डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, मिली मिलेगा। तो ये इसका क्या था, एडवांटेज था। किसका एडवांटेज था, तो SI सिस्टम का ये क्या था, एडवांटेज, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या था कि ये मैट्रिक सिस्टम को क्या करता है, फॉलो करता है। दूसरा जो इसका एडवांटेज था वो क्या था कि रैशनलाइज्ड सिस्टम है, ये एक तरह का क्या है, रैशनलाइज्ड सिस्टम है, रैशनलाइज्ड सिस्टम। और रैशनलाइज्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आप देखते हो कि हर क्वांटिटी हर सब्जेक्ट में अलग अलग नाम से, जैसे कि हमने देखा कि एनर्जी क्या होती है, कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती और कभी भी हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, यानी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जैसे कोई मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी की हम यूनिट क्या रखते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी की जो यूनिट हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, जूल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उसी मैकेनिकल एनर्जी को मैंने हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया,
किस में ट्रांसफर कर दिया, हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया। तो हीट एनर्जी में हम उसकी जो यूनिट है वो क्या, हीट एनर्जी की जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, हम कैलोरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैलोरी यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर इसी हीट एनर्जी को मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी जो यूनिट हम किलोवाट पर आवर वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये जो एसआई सिस्टम है उसमें एनर्जी चाहे मैकेनिकल फॉर्म में हो, हीट फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो, हर किसी फॉर्म में उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो कौन सी होगी, जूल होगी। यानी ये जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, रेशनलाइज्ड सिस्टम होता है। यानी एसआई सिस्टम के अंदर हम एक क्वांटिटी की दो दो यूनिट यूज़ नहीं करेंगे, ओनली फॉर वन क्वांटिटी वन यूनिट का सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, रेशनलाइज्ड सिस्टम। यानी वन क्वांटिटी वन यूनिट वाला जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, रेशनलाइज्ड सिस्टम होता है। इसके बाद इसकी जो थर्ड जो एडवांटेज है वो क्या है, कोहेरेंट, कोहेरेंट सिस्टम। ये सिस्टम है वो कैसा है, कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला आपने छोटी क्लासों में नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स इनटू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर मास 1 kg है और 1 kg मास के ऊपर हमने फोर्स लगाया यानी पुश किया और पुश करके उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा किया और वो एक्सेलरेशन कितना है, तो वो एक्सेलरेशन है 1 m/s², कितना है, 1 m/s². तो हमारे पास 1 kg का मास है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया हम नहीं जानते, ठीक है। तो एक 1 kg का मास है हमारे पास, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया यानी पुश किया हमने, और पुश करके उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना पैदा किया, तो हमने जो एक्सेलरेशन पैदा किया वो है 1 m/s² है। तो इसका मतलब ये होता है कि मास है वो 1 kg है, एक्सेलरेशन कितना है, 1 m/s² है, तो हमने फोर्स कितना लगाया था इसके ऊपर, 1 newton। तो जब हमारे पास दोनों क्वांटिटी 1 है तो थर्ड क्वांटिटी भी क्या होगी, 1 होगी। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। यानी अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर 1 newton फोर्स लगाएंगे, अगर बॉडी 1 m डिस्प्लेस होती है तो हमने वर्ग कितना किया, तो हमको बहुत सारी क्वांटिटीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने फोर्स 1 newton लगाया है और बॉडी डिस्प्लेस अगर 1 m हुई है तो हमने जो वर्ग किया वो वर्ग कितना होगा हमारा, 1 joule, कितना होगा, 1 joule। तो ये इसके एडवांटेज है कि एक तो मैट्रिक्स सिस्टम को फॉलो करता है, इसके बाद रेशनलाइज्ड सिस्टम है ये, और ये एक तरह का क्या है, कोहेरेंट सिस्टम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि लेंथ का स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने क्या बनाया, मीटर बनाया। तो मीटर हमने कैसे बनाया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने कैसे बनाया, तो उसकी डेफिनेशन हमको समझना है, उसकी डेफिनेशन क्या है उसको हमको समझना है। तो जैसे कि हमने क्या किया, स्टार्टिंग में जब हम मेजरमेंट बना रहे थे तो हमने लेंथ का मेजरमेंट बनाया 1 m बनाया, मीटर बनाया, ठीक है। तो मीटर के लिए हमने क्या किया, एक प्लेटिनम का टुकड़ा ले लिया और प्लेटिनम के टुकड़े को आज से हमने बोल दिया कि ये जो प्लेटिनम का टुकड़ा है ये आज से कितना है, 1 m है, और इसको हमने ऐसे कमरे में रखा कि जहाँ पर किसी भी फिजिकल कंडीशन जैसे कि लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसके कारण इसकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं हो, ये कभी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। और फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, उनके कारण उनकी वैल्यू कम नहीं, चेंज नहीं होनी चाहिए, हम जब चाहे उसको तब वापस रिप्रोड्यूस बना सके, ऐसा हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये कि मस्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होनी चाहिए। तो हमने कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हो यूर के, हमने प्लेटिनम को क्या बना दिया, इस प्लेटिनम के टुकड़े को हमने बना दिया आज से ये 1 m होगा, क्या होगा, 1 m होगा। पर इसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने प्लेटिनम के टुकड़े को या आयरन के टुकड़े को हमने जैसे 1 m बोल दिया, आप सब अपने अपने घरों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में लेके कि आज से ये क्या होगा, 1 m। पर इसके बाद क्या हुआ, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई उसने क्या दिया, क्या प्रिंसिपल दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसके पास वेलोसिटी आती है, यानी इसके पास स्पीड आती है, तो स्पीड के कारण इसकी लेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड के कारण इसकी लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब हमने जो हमारा मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया था, वो प्लेटिनम का टुकड़ा था, एक कमरे में हमने रखा था, और वो कमरा कहां पर है, अर्थ के ऊपर है, और हम जानते हैं अर्थ रोटेट करती है, अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, और सन के चारों ओर भी रोटेट करती है, ठीक है। तो अगर अर्थ
रोटेट कर रही है और के साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं, और हमारे साथ ये प्लेटिनम का जो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है 1 मीटर, वो भी क्या करता है, रोटेट करता है। अगर वो रोटेट करता है तो उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। पर हमने देखा हमको तो अर्थ पे ही रहना, ठीक है, तो अर्थ पे ही इसकी लेंथ एक बार जो चेंज हो गई वो हो गई, इसके बाद तो इसकी लेंथ बार बार तो चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। पर हमने देखा कि अगर इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम मून पे ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या 1 मीटर जो हमने माना वो आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि मून की जो मून का जो रोटेशन का पीरियड है वो अलग है, उसकी स्पीड अलग है। हम मास पे चले गए तो वहां पर उसका जो रोटेशन का पीरियड है वो उसका वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है वो कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो वहां पर अगर हम मून पे जाएंगे तो वहां पर हमारा इसकी लेंथ कुछ अलग होगी, मास पे जाएंगे तो उस पर लेंथ अलग होगी, हम अगर कहीं और दूसरे प्लेनेट पे चले गए तो वहां पर भी इसकी लेंथ कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऐसा होना चाहिए कि कहीं पर भी चले जाए, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाए, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने हमारी डेफिनेशन को चेंज कर दिया, हमारी डेफिनेशन को हमने क्या किया, चेंज किया। तो जैसे कि आप देखते हो कि ये लेंथ चेंज कैसे होती है, तो हमने एक स्प्रिंग ली, इसको समझने की कोशिश करना है, एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग से हमने एक वेट को लटका दिया। अब इस स्प्रिंग को हमने घुमाया, जैसे ही स्प्रिंग के अंदर क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, हमने देखा कि स्प्रिंग ऐसे एक्सपांड हो गई, यानी ऐसे फैल गई, यानी जो इसकी लेंथ थी वो लेंथ क्या होगी, बढ़ गई, क्या होगी इसकी लेंथ, क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे ही इसके अंदर वेलोसिटी आई, स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वैसे वैसे ही जो प्लेटिनम है या चाहे ये आयरन है, इसके अंदर क्या होते हैं, तो ये आयरन या प्लेटिनम किसका बना होता है, तो ये किसके, इसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा फोर्स है, तो एक तरह का स्प्रिंग के बीच में जो फोर्स होता है उसी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो हमने जैसे ही अगर स्प्रिंग रोटेट करती है, अगर स्पीड अगर स्प्रिंग को मिलती है तो वो क्या होती है, उसकी लेंथ चेंज होती है, वैसे वैसे इसके भी मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमारी डेफिनेशन को चेंज किया, और हमने इस यूनिवर्स में, इस नेचर में ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढा, ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढा कि जिसकी लेंथ स्पीड के कारण चेंज नहीं होती, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या था, तो वो जो नया ऑब्जेक्ट, जो नया कंपोनेंट नेचर में हमने ढूंढा, वो कंपोनेंट ही क्या, बेसिकली खुद ही वो क्या है, एक तरह की लाइट है। तो हमने जो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया वो किससे बनाया, तो स्पीड ऑफ लाइट से बनाया। बाद में हमने किससे बनाया, जैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, हमने हमारा जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट था वो हमने किससे बनाया, स्पीड ऑफ लाइट से बनाया। तो स्पीड ऑफ लाइट से हमने कैसे बनाया, तो हम जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी एक्यूरेट वैल्यू आप देखोगे तो 29979 वगैरह वगैरह कुछ वैल्यू इसकी होती है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ डिजिट में, हमने देखी कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कभी भी इसकी स्पीड चेंज नहीं होती। हाँ, मीडियम अगर आप चेंज करते हो तो लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। तो हमने देखा कि जो लाइट है वो 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रैवल करती है, तो 1 सेकेंड में लाइट ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर, लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है, यानी 1 सेकेंड में लाइट इतना ट्रैवल करती है, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 × 10⁸ मीटर लाइट कितने टाइम में ट्रैवल करती है, 1 सेकेंड में ट्रैवल करती है, कितने टाइम में ट्रैवल करती है, 1 सेकेंड में ट्रैवल करती है। तो एक मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करेगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1/3 × 10⁸ मीटर, क्या हो जाएगा, 1/3 × 10⁸, ठीक है। तो 1 मीटर में अगर 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में कवर करती है, तो 1 मीटर कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना हो जाएगा, तो 1/3 × 10⁸ सेकेंड। तो इतने सेकेंड में, इतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी, आज से हम उस डिस्टेंस को कितना बोलेंगे, तो हम उस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 मीटर। और हमारा डेफिनेशन क्या बन गई, कि इतने टाइम में, इतने सेकेंड में, या हम कह सकते हैं इतने टाइम में लाइट जितना ट्रैवल करेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर। तो 1 मीटर किसके बराबर है, तो 1 मीटर में लाइट कितना ट्रैवल करती है, कितना टाइम होता है 1 मीटर ट्रैवल करने के लिए, तो 1/3 × 10⁸
ठीक है, तो इतना टाइम लाइट को 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में लगता है, तो इतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर। तो ये हमारी मीटर की डेफिनेशन होगी कि मीटर का स्टैंडर्ड हमने कैसे बनाया, लाइट से बनाया। अब दूसरा है मास, मास का जो स्टैंडर्ड हमने बनाया वो क्या है, किलोग्राम है, और किलोग्राम की यूनिट क्या, जो सिम्बॉल है वो क्या है, केजी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक प्लेटिनम इरिडियम लिया, क्या लिया, प्लेटिनम इरिडियम लिया, और प्लेटिनम इरिडियम का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, और ऑक्सीडेशन नहीं होने का मतलब ये होता है कि प्लेटिनम इरिडियम के ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता, ठीक है। अगर कभी भी जंग नहीं लगता तो हमने क्या किया, प्लेटिनम इरिडियम का इतना टुकड़ा लिया और हमने बोल दिया आज से ये क्या है, 1 kg। तो उसकी वैल्यू कहीं पर भी चले जाओ, आप चाहे यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट के ऊपर चले जाओ, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेटिनम क्या, एक तरह का मेटल है, और मेटल में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जंग लगेगा, और जंग लगेगा इसका मतलब उसका जो वेट है वो क्या होगा, मास उसका क्या होगा, कम होगा। पर प्लेटिनम इरिडियम क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है और उसके ऊपर कभी जंग नहीं लगता, इसका मतलब जो मास के लिए हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया था वो क्या था, प्लेटिनम इरिडियम लिया था। इसके बाद टाइम के लिए जो हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया वो क्या था, सेकेंड था, और उसका सिम्बॉल क्या था, एस। तो इसके लिए हमने कैसे टाइम को हमने कैसे माना, तो टाइम के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर ऑब्जेक्ट स्पीड में होता है, अगर स्पीड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम स्पीड में, तो हम टाइम को सही कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, तो जैसे कि मैंने आकाश में 2 पॉइंट बनाए, एक पॉइंट ये बनाया और एक पॉइंट ये बनाया, जैसे कि मैंने आकाश में 2 पॉइंट बनाए, एक पॉइंट ये बनाया और एक पॉइंट ये बनाया, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने देखा कि एक प्लेन चलते हुए आया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। कितना लगा, 10 सेकेंड लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने देखा, एक दिन देखा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट किसी प्लेन को जाने में टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा। अगले दिन फिर मैं आके खड़ा हुआ और फिर मैंने देखा कि प्लेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो 10 सेकेंड लगा। यानी ऐसे ऐसे मैंने बहुत सी बार इसको मेजर किया और हर बार इन 2 पॉइंट को क्रॉस करने में प्लेन को कितना टाइम लगा, तो 10 सेकेंड लगा। अब मैंने क्या किया कि अब यहाँ पर एक ट्रेन चल रही थी और उस ट्रेन के ऊपर मैं बैठ गया, ठीक है, और ऊपर से एरोप्लेन आ रहा है और मैंने ट्रेन भी मेरी क्या कर रही है, मोशन में, यानी चल रही है, और मैंने देखा कि ट्रेन चल रही है और ऊपर से एरोप्लेन चल रहा है, और यहाँ से फिर जैसे एरोप्लेन इस पॉइंट को क्रॉस किया और यहाँ से जैसे इस पॉइंट पर आया, मैंने देखा कि इन दोनों पॉइंट को क्रॉस करने के, इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस क्रॉस करने में एरोप्लेन को कितना समय लगा, 12 सेकेंड। 12 सेकंड डेली में खड़ा रह के देखता हूँ तो क्या होता है कि 10 सेकंड में ये क्रॉस कर लेता है, पर जब मैं खुद भी क्या हूँ, स्पीड में हूँ, मैं खुद भी कौन सी कंडीशन में हूँ, एट मोशन की कंडीशन में, यानी ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मेरी जो मोशन की डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, एरोप्लेन की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, और मैंने टाइम को कैलकुलेट किया तो टाइम कितना आया, 12 सेकेंड आया, ठीक है। इसके बाद मैंने जस्ट अपोजिट किया कि अब मेरी ट्रेन को इधर इस डायरेक्शन में रखा और मोशन कौन से डायरेक्शन में कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर बैठ के, मेरी ट्रेन चल रही है, ऊपर से एरोप्लेन चल रहा है, और एरोप्लेन को यहाँ से यहाँ आने में मैंने टाइम को कैलकुलेट किया, तो मैंने गिना 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो जब मैं यहाँ से एरोप्लेन यहाँ तक आया तब तक मैंने देखा कि टाइम कितना हो गया 8 सेकेंड। यानी इसको 2 पॉइंटों को क्रॉस करने, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो जब मैं खड़ा था तब मैंने देखा कि 10 सेकंड लगा, जब मैं एरोप्लेन की डायरेक्शन में मोशन कर रहा था तब मैंने देखा 12 सेकंड का टाइम लगता है इन दोनों को क्रॉस करने में, और जब मैं इस एरोप्लेन की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा था तब मैंने देखा कि टाइम कितना लगा, 8 सेकंड लगा। यानी क्या होता है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कहती थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में, स्पीड की कंडीशन में, मोशन की कंडीशन में, उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी, और वैसे ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्या कहा कि अगर आप मोशन में हो तो आप कभी भी टाइम को सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो उसके लिए हमने एक सीजियम का एटम लिया, क्या लिया, सीजियम का एटम लिया, और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिया, सीजियम का एटम लिया, और जिसका एटॉमिक वेट जो था वो कितना था, 133, जिसका एटॉमिक वेट कितना था, 133, ऐसा हमने क्या लिया, एक सीजियम का एटम लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि सीजियम के एटम से हमने टाइम की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट कैसे बनाया, तो उसको हम देखेंगे। तो क्या होता है, जैसे ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई दूसरी ऑर्बिट है,
ठीक है। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर क्या होता है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये दो ऑर्बिट है। अब यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने हीट किया, बाहर से एनर्जी देके इसको हीट किया, जैसे ही हीट किया इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई और एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण ये क्या करेगा, अपनी ऑर्बिट में रहना पसंद नहीं करेगा और दूसरी ऑर्बिट में चला गया, इस वाली ऑर्बिट में। अब हम जानते हैं कि हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5 ही रहेंगे, 6 वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो 6 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में नहीं रह सकता। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के इस ऑर्बिट में आया, इस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसको वापस जाना पड़ेगा, और अगर ये वापस जाएगा तो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, किसके फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो क्या करेगा, एनर्जी को वापस रिलीज करेगा। तो रिलीज करेगा तो क्या होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस होगा तो वो एक्सेलरेट होगा, क्या होगा, एक्सेलरेट होगा यानी वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होता होता क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो एनर्जी हमारी हमारे सामने आएगी तो हमें अलग अलग शरीर के अलग अलग पार्ट में क्या होगा, हमसे टकराएगी, जैसे हाथ पे टकराई, मुंह पे टकराई, बालों पे टकराई, ठीक है। और वही एनर्जी हमारे आंख में जब जाती है तो रेटिना के ऊपर जब टकराती है तो रेटिना से वो एनर्जी इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में कहां पर जाती है, ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में एक तरह के सेंसेशन होते हैं, और वो सेंसेशन हमको क्या बताते हैं कि सामने क्या आ रही है, लाइट आ रही है, क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो इस चीज को क्या देखा आपने कि ये जब इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर जाएगा तो वो क्या होगा, वाइब्रेट होगा, और जैसे ही वो वाइब्रेट होगा वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज किसके फॉर्म में करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जो भी है ये मास के बारे में, सॉरी टाइम के बारे में, जो हमने सीजियम क्लॉक के बारे में, यानी ये दोनों चीजें तो हमने देख ली, और ये जो आगे बाकी जो क्वांटिटीज बाकी है उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। एवरीवन, जैसा हमने सेल वॉल स्टार्ट किया था और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जो चैप्टर है आपको उसको हम चला रहे थे, और सेल वॉल के अंदर मैंने आपको उसका कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हमने वहीं पे रोक दिया था, प्लांट सेल तक हम पहुंच गए थे। लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि सेल वॉल, एक बात मैंने आपको मतलब वहाँ पे समझा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट होगा बताने के लिए, लेकिन मैं आपको फिर से भी बता देता हूँ कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी। कभी आपको पूछा गया कि हु डिस्कवर्ड सेल वॉल, तो एक बात ध्यान रखना आपको कि जब पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड सेल तो आप क्या कहते हो, रॉबर्ट हुक। जब आपको पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड सेल तो आप कहते हो रॉबर्ट हुक। और लाइफ सेल के बारे में मैंने आपको बताया था एंटन वॉन लिवोनक, इनके बारे में हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन जब आपको पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल वॉल, यानी सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, इसमें भी इसी का नाम आता है, यानी रॉबर्ट हुक ने ही सेल वॉल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। और आपने देखा होगा कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी, मतलब मैंने आपको बताया था कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने ही की है, तो आपको बताओ कि जब सेल वॉल मतलब सेल जब डिस्कवर की थी इन्होंने कॉर्क के अंदर, तो वो हेक्सागोनल शेप की थी। किस टाइप की थी, हेक्सागोनल शेप की सेल्स प्रेजेंट थी। उन्होंने जो देखा था वास्तव में उन्होंने डेड सेल को देखा था, और जो डेड पार्ट होता है वास्तव में वो होता है क्या, सेल वॉल ही होती है। इसलिए सेल वॉल की डिस्कवरी का क्रेडिट भी किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को ही जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल के मतलब सेल के बारे में पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल तो भी रॉबर्ट हुक, और सीधा पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल वॉल तो भी रॉबर्ट हुक ही आएगा। उसका रीजन क्या था, उन्होंने कॉर्क के अंदर जो सेल देखी थी, और सेल देखी थी वो सारी सेल्स कैसी थी, डेड थी। कॉर्क होता है क्या, लकड़ी का टुकड़ा ही होता है आपके, और उसके आउटर कवरिंग पे जो उन्होंने सेल देखी थी वो कैसी थी, डेड थी। और वास्तव में उन्होंने जो पार्ट ऑब्जर्व किया था वो कौन सा था, सेल वॉल ही था। इसलिए सेल वॉल की मतलब डिस्कवरी का क्रेडिट भी किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को ही जाता है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने देख लिया था प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, वो किससे बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की हमने देख लिया था। इसके बाद फंजाई की हमने बात की थी, फंजाई की किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। मैंने कहा था फंजाई की जो काइटिन की लेयर होती है वो कौन सी होती है, होमोपॉलीसेकेराइड्स होती है, और किससे बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से बनी होती है। अगर आपको नाम नहीं याद रहे तो मैं लिख भी देता हूं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, वहां पे आपको इतना सारा याद रखना पड़े। लेकिन फंजाई की अपन बात करें तो काइटिन, और काइटिन का जो मोनोमर होता है, मोनोमर आपको पता होगा जब आपने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा हो, तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो सिंगल यूनिट जो होती है जिससे कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनते हैं, तो जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। तो इसका जो मोनोमर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन।
इसका जो मोनोमर होता है वो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, और ये बहुत सारे कंबाइन होके एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन कंबाइन होके क्या बनाते आपका काइटिन बनाते। इससे आगे हम चलेंगे अब प्लांट सेल की बात करते हैं, जब वो हमारे चल रहा था यानी तीसरा था हमारा प्लांट सेल। और मैंने आपको कहा था प्लांट सेल जो होती है उसके जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल क्या होती है डेड होती है, लेकिन वो बनी किससे होती है। तो मैंने आपको कहा था कि हम जनरली जब बात करते हैं ना आपको पूछा जाए कि प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, तो आप सीधा क्या कहते हो सेल्यूलोज, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, वो अकेली सेल्यूलोज से बनी नहीं होती है। उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सेल्यूलोज, एक होता है आपका हेमी सेल्यूलोज, इसके बाद आपका होता है पेक्टिन मटेरियल, इसको पेक्टिक भी कह सकते हैं और पेक्टिन भी कह सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना पेक्टिन को या पेक्टिक, दोनों बात सही है, पेक्टिन मटेरियल या पेक्टिक मटेरियल। इसके बाद इसके अंदर होता है H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं इसके अंदर, और एक होता है आपके लिग्निन क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे हम लिग्निन। तो ये सारे मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी प्लांट का जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन क्या होता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन या पेक्टिक मटेरियल, H2O एंड लिग्निन। अब ये सेल्यूलोज कैसे बनता है, सेल्यूलोज वास्तव में देखा जाए तो एक होमोपोलीसेक्राइड है, इनके बारे में हमको मतलब डिटेल में पता होना जरूरी है ताकि हेमी सेल्यूलोज वगैरह इनके बारे में डिफ्रेंशिएट आप कर सको और मटेरियल किससे बना होता है। जैसे हम सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज जो होता है वो आपका क्या होता है, अगर सेल्यूलोज की बात करो तो ये होता है होमोपोलीसेक्राइड। जब आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ोगे तो सैक्राइड्स क्या होता है, मोनोसैक्राइड्स क्या होता है, ओलिगोसैक्राइड्स क्या होता है, इनके बारे में भी पढ़ोगे, लेकिन आपने ग्लूकोज वगैरह तो सुना ही होगा, सैक्राइड्स के अंदर ही आते हैं। तो आपका ये होमो का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो सेम टाइप के हो, जैसे H2O मॉलिक्यूल H2O से कंबाइन हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे होमो, और अगर H2O मॉलिक्यूल CO2 से कंबाइन हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है और ये मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है, और इससे बनने वाला मॉलिक्यूल भी क्या होगा डिफरेंट होगा, लेकिन उसके अंदर दो यूनिट प्रेजेंट होगी, एक CO2 और एक H2O, तो इसको हम क्या कहते हैं हेटरो। तो यहाँ पे होमो लगा हुआ इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी सैक्राइड्स के यूनिट होंगे वो क्या होंगे सेम टाइप के होंगे। तो आपका जो होमो पॉलीसेक्राइड्स होता है मतलब सेल्यूलोज जो होता है वो किससे बना होता है, तो ये 6000 डी ग्लूकोज। अब डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आपने एक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा एल ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज, तो एल जो होता है वो लिवर रोटेटरी होता है, वो उसके मतलब जो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हो तो कैसा अरेंजमेंट है ग्लूकोज का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसको डेक्स्ट्रो और लिवर रोटेटरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अपन को केमिस्ट्री तो डिस्कस करनी है नहीं, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं हम कि 6000 डी ग्लूकोज, आपको ये याद रखना है कौन सा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होता है, तो 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन होके मतलब 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इतने सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो आपका क्या बनेगा एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनेगा, एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये ध्यान रखना अपन सीधे कह देते हैं सेल्यूलोज, पर सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बना किससे होता है 6000 डी ग्लूकोज के कंबाइन होने से क्या बनता है एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बना होता है। लेकिन फिर इसके बाद भी अगर अपन बात करें तो जो आपका सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होता है इससे कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल हुआ, एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल से आपका पूरी सेल वॉल कंप्लीट हो जाती नहीं है। तो ये जो एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे कंबाइन होंगे, मतलब यहाँ पे सिंगल यूनिट सेल्यूलोज की बनाने के लिए हमको कितने चाहिए 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, लेकिन आपके बहुत सारे जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होते हैं वो कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं मिसल्स, उसको कहा जाता है मिसल, ये खाने वाला नहीं है ये भी ध्यान रखना। तो बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बनाएंगे मिसल्स बनाएंगे, और ये जो मिसल्स होते हैं वो बहुत सारे कंबाइन होके जो यूनिट बनाते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, क्या कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, और ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है फिर से फर्दर कंबाइन होते हैं और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वही कंप्लीटली हम आउटर सेल में देखते हैं जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं वहाँ पे। तो वो जो माइक्रोफाइब्रिल्स है वो कंबाइन होके बनाएंगे आपका मैक्रोफाइब्रिल्स। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना हमने वर्ड लिखा था होमो पॉलीसेक्राइड, पॉली का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया बहुत सारे मोनोमर यूनिट जब कंबाइन होते हैं और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम पॉली कहते हैं, जैसे नाइलॉन 6,6 आपका क्या होता है एक पॉलीमर है और वो किससे बना होता है तो हेक्सामेथिलीन डायमीन से बना हुआ रहता है वो, ठीक है उसके अंदर दो यूनिट होते हैं और वो कंबाइन होकर क्या करते हैं एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम नाइलॉन 6,6 कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर मोनोमर भी प्रेजेंट होते हैं यानी उसकी सिंगल यूनिट भी होती है। तो बहुत सारे यूनिट कंबाइन होकर जब कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके आगे हम कौन सा टर्म लगाते हैं पॉली,
थी, और वो कौन से यूनिट है यहाँ पे, सैकेराइड्स है। सैकेराइड्स में क्या आ गया आपका ग्लूकोज, तो यहाँ पे ध्यान रखना 6000 यूनिट जो होते हैं वो डी ग्लूकोज के यानी डेक्सोरोट्रिक ग्लूकोज के वो कंबाइन होते हैं, तो क्या बनाते हैं एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल जब कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं नेक्स्ट, उसको हम क्या कहते हैं मिसल्स कहते हैं। मिसल्स कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम माइक्रोफाइब्रिल्स कहेंगे, और जो माइक्रोफाइब्रिल्स बहुत सारे कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे मैक्रोफाइब्रिल्स कहा जाता है। इसी से आपका पूरा क्या बनेगा कंप्लीट सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनता है, और जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है आपको ये सब ध्यान रखना। तो ये तो हो गया सेल्यूलोज के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब आता है आपका हेमी सेल्यूलोज, तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये आपको नाम तो याद हो गए होंगे यहाँ पे, इसलिए इनको रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाएगा आपका हेमी सेल्यूलोज, नेक्स्ट है आपका हेमी सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन ले लिया, अब ये हेमी सेल्यूलोज किससे बना होता था पहले सबसे पहले पता होना चाहिए ये है क्या। तो ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स है, हमने वहाँ पे लिखा था होमोपॉलीसेक्राइड्स, और ये जो आपका हेमी सेल्यूलोज होता है वो कैसा होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ये क्या होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स होता है, और मैंने आपको बताया होमो का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा था सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यानी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल कंबाइन होके जब कोई स्ट्रक्चर बनाते तो उसको हम क्या कहते हैं होमो। जैसे ग्लूकोज के 6000 मॉलिक्यूल कंबाइन होके जो स्ट्रक्चर बना रहे थे हमने आगे क्या लगाया होमो, क्योंकि ग्लूकोज ही था वहां पे, लेकिन यहां पे हम क्या लिख रहे हैं हेट्रो। तो अब हेट्रो का मतलब क्या होगा डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी डिफरेंट टाइप के सैक्राइड्स मॉलिक्यूल कंबाइन होकर जब स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। अब यहां पे देख लेते हैं हम हेट्रो पॉलीसेक्राइड लिखा, अब यहां पे होता क्या क्या था, इसके अंदर जो बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से थे। हेमी सेल्यूलोज किससे बना होता है, इसके अंदर होता है गैलेक्टोज प्लस ज़ाइलोज, ये सब बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी सेम उनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो गैलेक्टोज हो गया, ज़ाइलोज हो गया, मैनोज, ऐसा नहीं है कि नाम नए हैं फैमिलियर हो जाओगे क्योंकि बार बार रिपीट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। गैलेक्टोज ज़ाइलोज मैनोज ये सारे इसके अंदर क्या होते हैं मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है ये आपका हेमी सेल्यूलोज बना होता है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर एक और होता है जिसको कहते हैं अपन एर्बिनोज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि होमो लिखा था तब हमने ग्लूकोज की बात की थी, 6000 मॉलिक्यूल थे लेकिन ग्लूकोज ही था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स लिखा इसका मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल है। गैलेक्टोज कंबाइन हो रहा है किसके साथ, ज़ाइलोज के साथ, ज़ाइलोज जुड़ रहा है मैनोज के साथ, मैनोज जुड़ रहा है अर्बिनोज के साथ, और ये सब क्या है डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल, और ये कंबाइन होंगे इसलिए हमने यहाँ पे टर्म क्या लिखी है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। तो आपका जो हेमी सेल्यूलोज होता है वो क्या होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स होता है, और वो किससे बना होता है तो गैलेक्टोज से, ज़ाइलोज से, मैनोज और आर्बिनोज से। इसके बाद आता है आपका पेक्टिन मटेरियल, इसके बाद क्या आएगा आपका पेक्टिन मटेरियल, तो नेक्स्ट है आपका पेक्टिन मटेरियल। और पेक्टिन मटेरियल की बात करें तो ये भी क्या होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स ही होता है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड ये भी क्या होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड ही होता है। अब हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज अमीन या ग्लूकोज एमीन कह सकते हो उसको, और गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स होता है, इसके अंदर ग्लूकोज अमीन और गैलेक्टोज अमीन प्रेजेंट होता है, और ये क्या बनाता है आपका पेक्टिन मटेरियल बनाता है। इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल आता नहीं है लेकिन आपको सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होता है H2O और आपका लिग्निन, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सम एक्स्ट्रा मटेरियल आल्सो डिपॉजिटेड इन प्लांट सेल सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट सेल वॉल जो है उसके अंदर सम एक्स्ट्रा मटेरियल भी डिपॉजिटेड होता है, यानी अपन लिख सकते हैं सम एक्स्ट्रा मटेरियल आल्सो डिपॉजिटेड इन प्लांट सेल वॉल, मतलब आपकी जो सेल वॉल होती है प्लांट की उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी डिपॉजिट होते हैं। जैसे हमने मेन मटेरियल की बात की तो सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन मटेरियल हो गया, H2O हो गया और लिग्निन हो गया, पर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल भी होते हैं जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसके अंदर सिर्फ ओनली प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम। तो प्लांट सेल वॉल जो होती है उसके अंदर कौन कौन से एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, तो आपने नाम कभी सुना भी होगा क्यूटीन,
इसके बाद है सुबेरिन, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूंगा ये होता क्या है। तो क्यूटीन हो गया आपका, सुबेरिन हो गया, एक हमने पढ़ा था कौन सा लिग्निन। ये सारे मटेरियल भी क्या होते हैं, इसके अंदर डिपॉजिट होते थे। आपका क्यूटीन है, सुबेरिन है, लिग्निन है, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर डिपॉजिटेड होते हैं। अब ये है क्या, तो जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मटेरियल होता है, जैसे सुबेरिन की बात करें अपन, तो कॉर्क के बारे में हमने देखा था वो डेड होती है, तो वास्तव में डेड बनाने का काम भी यही करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उन प्लांट्स के अंदर ना तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और न ही किसी एयर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब रेस्पिरेशन कंप्लीटली क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। और ये मटेरियल जैसे डिपॉजिट होता जाता है, वो सेल वॉल क्या हो जाती है, कंप्लीटली डेड हो जाती है। तो कॉर्क के अंदर जो डिपॉजिट होने वाला मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, सुबेरिन होता है। और हर सेल वॉल के अंदर जो प्लांट की होगी उसके अंदर हो सकता है किसी के अंदर क्यूटीन डिपॉजिट हो, किसी के अंदर सुबेरिन डिपॉजिट हो, किसी के अंदर लिग्निन डिपॉजिट हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उसके अंदर यही कंपोनेंट, मतलब ये तीनों कंपोनेंट डिपॉजिट होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट भी डिपॉजिट हो सकते हैं। ये प्लांट सेल वॉल के बारे में अपना डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद ये बनता कब है, सेल वॉल जो होती है वो आपके बनती कब है, तो जो सेल वॉल होती है सेल डिवीजन के साइटोकाइनेसिस फेज के अंदर ये डेवलप होती है। मतलब सेल के अंदर सेल वॉल कब बनती है, जब साइटोकाइनेसिस होता है, यानी सेल वॉल फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन जब होता है उसके अंदर जो लास्ट पोर्शन अपन पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन जो होता है सेल वॉल का, मतलब जो दो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स बनेगी, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ साइटो टर्म्स जो आगे लगी हुई उससे पता चल जाता है साइटोप्लाज्म इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो सेल्स के अंदर पैक्ड हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। उसी टाइम आपकी सेल की सेल वॉल क्या होगी, बनेगी। अगर प्लांट हो, फंजाई हो, उनके अंदर ही बनती है, तो उनके अंदर जब साइटोकाइनेसिस इसकी प्रोसेस आएगी तभी क्या बनती है, सेल वॉल को बनना, मतलब बनती है। और इसके बाद सेल वॉल बनती किससे, मतलब जैसे सेल, मतलब अपन सेल डिवीजन की बात करें तो अपन ने यहाँ पे देख लिया इनका कंपोजिशन क्या होता है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये किससे बनता है, पूरा पार्ट किसकी वजह से बनता है। जैसे आप भी बात करो तो जैसे मेरी ही बात कर लूँ मैं, तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरे अंदर भी सेल्स प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है वगैरह सब बात कर ली, और ये किससे बना हुआ, कौन कौन से मतलब पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड है, सब कुछ बात कर लिया, लेकिन मैं किससे बनाऊँ, तो आपको पता होगा मेरे पेरेंट्स होंगे, उनसे ही मेरा क्या होगा, मतलब बर्थ हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल होती है इनका बर्थ भी किससे होता है, तो सेल डिवीजन के टाइम इनका जो बर्थ होता है वो किससे होता है, फ्रेग्मोप्लास्ट से, यानी ये फ्रेग्मोप्लास्ट से बनती है, फ्रेग्मोप्लास्ट ऑफ ईआर, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो आपका जो ईआर एंड गोल्जी बॉडी, इनके बारे में भी हम जब सेल ऑर्गेनल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे ये ईआर और गोल्जी बॉडी होती क्या है, इनके फंक्शन क्या होते थे। एक फंक्शन तो हमने यहीं पे पढ़ लिया कि ये फ्रेग्मोप्लास्ट जो होते हैं इसके, यानी फ्रेगमेंट्स, ईआर और गोल्जी बॉडी के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उससे आपका क्या बनता है, सेल वॉल बनता है। फ्रेगमेंट्स यानी जो ईआर बना और गोल्जी बॉडी बनी, जो उनका जो मतलब थोड़ा सा पार्ट जो बच जाता है, जो काम का नहीं है, उनके अंदर नहीं होता, वो किसके अंदर एड हो जाता है, सेल वॉल के अंदर, और ये सेल वॉल बनाने का काम करता है। जो फ्रेग्मोप्लास्ट होते हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और गोल्जी बॉडी के, उससे आपका क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। आपको ये ध्यान रखना है सेल वॉल के बारे में। इसके बाद इसके फंक्शन क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, प्रोटेक्शन है, स्ट्रेंथ है, इसके बाद ये आपको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल वॉल को, ठीक है। तो ये सब आपके सेल वॉल के बारे में हो गया, इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने जो एक्सरसाइज है आपके उसके क्वेश्चंस कर लिए थे, लगभग क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया था, जिसमें फिर उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मैं हिंट दे चुकी थी, फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या कहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क जो आपको गिवन है दैट इज 22 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनता है, अगर तो ऐसा है तो, अगर रेडियस हमारी 100 सेंटीमीटर है और जो आर्क बन रहा है हमारा, मान लेते हैं ये आर्क बन रहा है
उसकी जो लेंथ है वो दे रखी 22 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, सेंटर और सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली, ये भी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दिस इज एंगल थीटा, तो आपको एंगल थीटा निकालना है, वो डिग्रीज में निकालना है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका एक्सरसाइज चल रहा है 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या कहा है कि एक इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर, सर्कल जिसका लेंथ ऑफ आर्क जो हम जिसको स्टडी कर रहे हैं दैट इज 22 सेंटीमीटर, और रेडियस जो आपको गिवन है दैट इज 100 सेंटीमीटर, ये दोनों है। एंड इसके बाद हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा इन डिग्री, डिग्री में हमको वैल्यू चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है थीटा फाइंड करने का दैट इज आर्क अपॉन रेडियस चाप बटा त्रिज्या, तो वहाँ से जो वैल्यू आती है दैट इज इन रेडियन, तो रेडियन में हमारा आंसर आएगा। बट हमको आंसर किस में चाहिए, डिग्री में पूछा है क्वेश्चन में, तो जो भी रेडियन में आंसर आएगा उसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लेते थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, फॉर्मूला लगाएंगे आर्क अपॉन रेडियस या फिर चाप बटा त्रिज्या, दैट इज इक्वल टू जो आर्क आपको गिवन है दैट इज 22 सेंटीमीटर। दोनों यूनिट सेम हो ये ध्यान रखें आप, जैसे 22 सेंटीमीटर और दिस इज 100 सेंटीमीटर सिमिलर है तो कोई इशू नहीं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट जाएगा, वी विल गेट 0.22 रेडियन, यही आएगा 0.22 रेडियन। अब इस रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो करते हैं इसको, जैसे थीटा इज इक्वल टू क्या है 0.22। अब ये ना लिख करके अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैंने इसका पॉइंट हटा करके अगेन इसको 22/100 लिखा ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, इंटू कन्वर्ट किस में करना है डिग्री में, तो 180 अपॉन पाए, तो डिग्री वाले को ऊपर और रेडियन वाले को नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाए का वैल्यू पुट करो 22/7, तो यहाँ 22 से 22 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको जैसे अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं या फिर पॉइंट में तो आंसर लाना नहीं है, पॉइंट में लाना होता तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, यहाँ से ये हटा दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 126, ठीक है, अपॉन 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा, जब इस रेडियन को, अब तो ये डिग्री बन चुका है खैर, पर इसको जब हम मिनट्स में भी करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज 63 upon 5, तब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 5 2 10, 3 आया, 3 बचा है तो प्लस 3/5 लिख सकते हैं या फिर 3/5 डिग्री आया, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, तो 3/5 डिग्री है ये। अब ये डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है मिनट में, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 5 5 5 2 9 12 12 36, तो 12 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 36 मिनट। मिनट को आप लोग ऐसे सिंगल डैश से शो करते तो आपका जो आंसर बनेगा वो आएगा 12 डिग्री 36 मिनट। सो फाइनल आंसर बना आपका थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट, क्लियर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक सर्कल है, इन अ सर्कल क्या गिवन है, इन अ सर्कल डायमीटर जो आपको दे रखा है, व्यास दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड चीज दे रखी है उसकी एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, जीवा की लंबाई दे रखी, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा है, इसकी एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड। जीवा की जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर और दे रखा है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसके संगत कॉर्ड के संगत छोटे चाप के, अब यहाँ छोटा चाप क्यों मेंशन किया है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, छोटे चाप की, छोटे चाप की लंबाई यानी कि जो आपका स्मॉल आर्क है लेंथ ऑफ स्मॉल आर्क या फिर माइनर आर्क भी कह सकते हैं इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ दैट आर्क निकालना, क्योंकि इस कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क की बात की जाए तो एक आर्क ये भी है और एक आर्क ये भी है, तो ये इन्होंने कहा है कि जो छोटा वाला आर्क है उसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है, तो ये कॉर्ड की लेंथ हमको दे रखी है और पूरा पूरा डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है यानी कि आपको क्या दे रखा है, 2R दे रखा है, रेडियस का डबल, तो यहाँ से रेडियस की आ जाएगी आपके पास डायमीटर की आधी, यहाँ लिख सकते हो चाहे तो व्यास या फिर डायमीटर। ओके, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/2 विच इज़ योर 20 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया हमारे पास, तो जब कोर्ड को हम यहाँ सेंटर पे मिलाएंगे तो ये भी तो हमारा रेडियस होगा, तो दैट इज़ रेडियस इज इक्वल टू 20, दिस इज रेडियस इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20, तो यहाँ पर जब हमने ऑब्जर्व किया और यहाँ पर एंगल फाइंड करना है आपको, छोटे चाप की लंबाई सॉरी ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला है हमारा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एल अपॉन आर होता है, तो यहाँ पर L चाहिए तो R और थीटा पता होना चाहिए, अब यहाँ देखो दिस इज 20, दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20, तीनों साइड्स जो है वो 20 है आपकी इस ट्राइंगल की, तो ऐसे ट्राइंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के सारे कोणों का मान बराबर होता है विच इज 60 डिग्री, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स की वैल्यू 60 होती है और तीनों इक्वल होता है फर्स्टली, तो ये तो इसका मतलब पता चल गया, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो हमारे पास एंगल का वैल्यू आ गया 60, सिंस यहाँ पर जो थीटा हम इस फॉर्मूला में यूज़ करते हैं दैट इज़ इन रेडियन, यहाँ जो फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं वो रेडियन में होता है, तो पहले आपको इस 60 को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे अगर इसको नेमिंग देते हैं ओ ए बी, सिंस इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देयरफोर इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे जैसे मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ आप लोग लिखते जाएंगे, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए तीनों कोणों का मान, इसीलिए ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू
60 डिग्री, इसीलिए तीनों कोणों का मान समान होगा विच इज 60 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो वैसे वैल्यू पता होनी चाहिए, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट पाई बाय 3। तो अब ये वैल्यू आपको जिस फॉर्मूला में पुट करनी है, तो आपका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इसके बाद का पोर्शन यहाँ लिख रही हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। नाउ फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल का वैल्यू चाहिए तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई आर थीटा। नाउ एल इज इक्वल टू आर का वैल्यू क्या है, हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर इंटू आर इंटू थीटा। थीटा क्या है आपका पाई बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 22/3 इंटू 7। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा दैट इज, या फिर या तो आप इसको लिखोगे 20π/3 ये लेंथ, या फिर अगर पाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो यू विल गेट 20.93 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपको दे देती हूँ, अटेम्प्ट आपको करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसे क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दो सर्कल आपको गिवन है के समान लंबाई वाले चाप, इसका लेंथ ऑफ आर्क जो है, लेंथ ऑफ आर्क इसका मतलब उसका पर्टिकुलर रेडियस भी होगा, ठीक है, इसका लेंथ ऑफ आर्क और इस सर्कल नंबर 2 दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, एल वन इज इक्वल टू एल टू है, एल टू इज इक्वल टू एल कंसिडर कर दें, दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है और वे अपने समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये जो आर्क है वो अपने जो सर्कल का सेंटर है उसके ऊपर 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं, फर्स्ट वाला 60 डिग्री बनाते हैं, सेकंड वाला 75 डिग्री बनाता है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, यानी कि आर वन और ये आर टू, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, दोनों के लिए एंगल डिफरेंट है बट आर्क जो है, लेंथ ऑफ आर्क वो सिमिलर दे रखी है, तो फॉर्मूला लगाना है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का, दोनों के लिए अलग अलग होगा, थीटा वन इज इक्वल टू एल अपॉन आर वन, थीटा टू इज इक्वल टू एल अपॉन आर टू, रेशियो चाहिए आर वन अपॉन आर टू का, दोनों को आपस में डिवाइड करके चेक करना, यू विल गेट द रेशियो ऑफ आर वन आर टू। और आर वन जो है वो इस क्वेश्चन में थीटा वन दे रखा है, आर वन आर टू का तो रेशियो फाइंड करना है और इसके लिए एल दे रखा है, थीटा वन थीटा टू की वैल्यूज पुट कर देना, जो जो गिवन है पुट करो एंड देन जरूरत पड़े तो डिवाइडेशन करो दोनों का आपस में इक्वेशंस का, यू विल गेट द रेशियो ऑफ आर वन एंड आर टू। इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।